क्या है भाई, आज हम लोग आ चुके हैं फिर एक और से नई वीडियो लेके। और आज हम लोग अटैक करने वाले हैं टाउन 11 की कुछ नूब बेसिस के ऊपर। और ये नूब बेसिस भाई, बहुत दिनों बाद हमें ऐसे नूब बेसिस मिले हैं। तो ये रहा हमारा, ये टाउन 11 का नूब बेसिस पे हम लोग अटैक करने वाले हैं भाई। बिल्कुल नूब है, एकदम नूब डिफेंसेस, एकदम लो लेवल के डिफेंसेस है, TH-89 के। तो चलो अटैक करते हैं सीधा भाई। इसमें कोई स्ट्रेटजी लगाना ही नहीं है, सीधा आर्मी डालो 3 स्टार, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। तो अटैक करते हैं। अटैक देखो और अटैक के मज़े लो भाई। पहले क्वीन डाला, क्वीन से सीसी निकाल लेंगे एक लून, ताकि कोई सिकिंग एयर माइन हो तो ट्रिगर्ड हो जाए। पीछे सारे सारे हीलर्स, पॉइजन, क्वीन के ऊपर रेज, इजीली टेक डाउन कर ली क्वीन, कोई दिक्कत नहीं है। क्वीन अंदर चली गई, चलो सक्सेसफुली क्वीन अंदर गई, सीसी डाउन हो चुकी है। एक और रोल ब्रेकर ताकि क्वीन आगे जा सके, फनल क्रिएट हो सके, क्वीन अंदर तक जा सके, ठीक है। अब सारे के सारे माइनर्स, हॉग्स, बुढ़ा, एक फ्रीज इन्फर्नो के ऊपर, क्वीन को पकड़ लिया, तो क्वीन को पकड़ लिया था इन्फर्नो ने। एक हिल स्पेल, एक रेज स्पेल भाई। अचानक हमारे सारी मेन आर्मी गायब ही हो गए, माइनर्स और हॉक्स गायब ही हो गए, और ईगल को हमने अंडर एस्टिमेट कर दिया। तो वहाँ से सीसी का हॉक्स डाल दिया ताकि वो ईगल टेक डाउन कर सके। भाई ईगल ने बहुत डैमेज कर दिया, अपने सारे ट्रुप्स ले गए भाई। कोर में कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ लिटरली एक हॉक, वो भी मर गया भाई। अब सीसी का हॉक्स देखते हैं क्लियर कर पाते हैं कि नहीं, पता है। सीसी के हॉक्स तो आ चुके हैं और ये भाई ख़त्म है बेस, ये ख़त्म है। अगर सीसी के हॉक्स नहीं होते तो शायद ये बेस फेल हो सकता था, बट कोई नहीं, चलो सीसी के हॉक्स ने काम कर दिया। मेरे को लगा था सीसी के हॉक्स नहीं छोड़ने पड़ेंगे। कमान कमान हॉक्स, कमान कमान, टेक डाउन दिस एक्सपो एंड वार्डन। नाइस, चलो गाइस ये बस तो अपना उड़ चुका है 3 स्टार भाई। हल्के में ले लिया था कुछ ज़्यादा ही, अभी सारी सीन गलत हो जाता भाई। सारे ट्रुप्स में मर गए थे, सीसी के ट्रुप्स नहीं होते तो ख़त्म था बेस, नहीं हो पाता 3 स्टार भाई। इसीलिए कभी भी किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये बात याद रखना। तो ये बेस तो आ चुका अपना 3 स्टार सक्सेसफुल। तो गाइज अपनी सीसी तो आ चुकी है, अब हम चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेस पे अटैक करने के लिए। और ये है हमारा नेक्स्ट पेस। नेक्स्ट पेस तो भाई और ही ख़तरनाक है, देखो एकदम भाई उतना मैक्सड आउट नहीं है। TH-10 के लेवल के डिफेंसेस है, लेवल 3 का इन्फर्नो, लेवल 1 का आर्टिलरी, कोई दिक्कत नहीं, इजीली उड़ जाएगा। हम लोग को क्वीन चार्ज ईगल के साइड से करना पड़ेगा, बस ईगल उड़ाना है, बाकी तो भाई हॉक्स और माइनर्स देख ही लेंगे। चलो अटैक करते हैं सीधा। एक हॉग देख ले ताकि सीसी में, हाँ सीसी ल्योर हो जाए, और सीसी ल्योर हो गई। और अब इधर से क्वीन डालेंगे, पहले फनल बना लेंगे सीसी के साथ। अब एक आर्चर, एक वॉल ब्रेक आएगा ताकि क्वीन सीधा अंदर जाए, लेफ्ट राइट ना भटके भाई, क्वीन को अंदर ही ले जाना है। चलो क्वीन आई, पीछे से एक लून आएगा ताकि सीखी रियरमेंट, सारे के सारे हीलर्स, एक पॉइजन और एक रेज। रेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद से। चलो टेक डाउन कर लिया क्वीन ने, विदाउट रेज सक्सेसफुली टेक डाउन कर लिया। चलो क्वीन फटाफट ईगल ले लो, बस क्वीन निकाल दे बस ईगल, बस उसके बाद से हम लोग चार हाइब्रिड स्टार्ट कर देंगे। ईगल निकल दे, हाइब्रिड स्टार्ट भाई, एक रेज ताकि क्वीन थोड़ा जल्दी काम करे। यार कुछ ज़्यादा खास थोड़ा डैमेज हो नहीं रहा था क्वीन पे, बस फास्ट काम करने के लिए। चलो कोई नहीं, कर ले लो फटाफट, ये वॉल ब्रेकर सही काम कर रहा है। नाइस, एकदम बिल्कुल सही वॉल हो रहा है। किंग आएगा, SB आएगा, सारे के सारे माइनर्स, सारे के सारे हॉग्स, बुढ़ा, और ये सिंगल ने धर लिया क्वीन को। एक फ्रीज, एक हिल स्पेल,
भाई ये बॉम टावर, हाँ रील्स पेल बिल्कुल सही गया है, हॉक्स बिल्कुल सही गया। और एक और जाइंट बॉम था भाई, अगर रील्स पेल नहीं देता तो सारे के सारे हॉक्स मर जाते। चलो नाइस, मल्टी ने पकड़ लिया एक और हील्स पेल मल्टी के लिए। मल्टी ने भाई हॉक्स को पकड़ लिया, क्वीन एकदम ओपी काम कर रही है। एक रेज स्पेल था कि ख़त्म है भाई ये वेस, तो ख़त्म है उड्डे की एबिलिटी दे दी, ख़त्म है ये वेस। कुछ नहीं बेस था भाई ये, कुछ नहीं था। अगले बेस में हम लोग बस ईगल को हल्के में ले लिया था हम लोगों ने, इसीलिए अपने सारे ट्रूप स्कोर के गायब हो गए, वरना तो भाई वो भी बेस इजी ही 3 स्टार था, बस वो थोड़ा टफ पड़ गया अपनी गलती के वजह से। चलो ये बेस तो सक्सेसफुली हो चुका है 3 स्टार, कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम खतरनाक तरीके से हो चुका है 3 स्टार। अभी भी अपने पास 1 दर्जन हॉक माइनर्स बचे हैं दोनों मिला के। चलिए बस हो गया 3 स्टार। गाइस अपने तो दोनों अटैक्स हो चुके हैं 3 स्टार। भाई ऐसे नूब्स अगर हर रोज मिले तो भाई मज़ा आ जाए। अरे लाइव अटैक चल रहा है, चलो देखते हैं ज़रा मॉन्स्टर भाई का अटैक है। भाई ये क्या से लिया, ब्लिम से लिया आई गेस। हाँ ब्लिम से लिया, ब्लिजर्ड कर रहा है शायद, ब्लिजर्ड और इलेक्ट्रो ड्रैगन। सारे के सारे इलेक्ट्रो, सारे के सारे लोन्स डाल दिए पीछे से बुढ़ा। भाई ये तो बुढ़े की अर्ली एबिलिटी दे दी भाई, ये तो कुछ गलत सीन हो गया शायद से, मेरे को नहीं लग रहा है 3 स्टार हो पाएगा। तीनों इन्फर्नोस एक साथ पकड़ेंगे भाई, और स्कैटर शॉट फ्रीज कर दिया नाइस। एक और फ्रीज स्प्रे डाल दिया ईगल पे, एक और फ्रीज डाल दिया इन्फर्नो पे। भाई ये क्या अटैक मार दिया भाई, स्पैम आर्मी से तो उड़ा दिया स्पेस को भाई। क्या लगता है 3 स्टार हो पाएगा ये? आरसी अभी भी बची और 2 फ्रीज स्पेल्स बचे हैं, एक वैलकरी और एक मिनियन। एक और फ्रीज आरसी को डिप्लॉय कर दिया, स्केटर पे फ्रीज दिया। फटाफट कमन आरसी, टेक डाउन करो आरसी। गाइस ये बेस तो उड़ गया ये बेस। 5 लेवल के टेस्लास क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बेस तो उड़ गया, एक फ्रीज का स्वैग कर दिया भाई, खतरनाक अटैक था भाई एकदम, बिल्कुल मस्त अटैक मारा है भाई मॉन्स्टर भाई ने। चलो गाइस ये बेस तो हो चुका है 3 स्टार। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और क्या कर रहे हो भाई तुम लोग अभी तक सब्सक्राइब बटन को ठोका नहीं है भाई, फटाफट से सब्सक्राइब बटन ठोको और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।